ओके स्टार्ट हो चुका है। सो है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। जितना सारा भाई लोग फ्रीचार्ज में मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारा कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भाई फ्रीचार्ज मर्चेंट एजेंट का नंबर प्रोवाइड कर दो। तो बिना एजेंट का किस तरीके से बना सकते हो, एजेंट्स भी बना सकते हो, तो गाइस किस तरीके से इस चीज़ को करना पड़ेगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्योंकि मैं गाइस स्पेशली इस वीडियो को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को कंप्लीट देखो। कोई भी पार्ट अगर मिस करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो को जरा से जरा प्लीज़ कंप्लीट यहाँ पर वॉच कर लेना। तो गाइज चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते। तो आगे बढ़ने से पहले गाइज आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम पर नहीं है तो गाइज यहाँ पर काफ़ी कुछ मिस करो, क्योंकि अभी सेल्स चल रहा है गाइज अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट का लिंक हम वहाँ पर अभी पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट अच्छा अच्छा बहुत ही कम कीमत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइज देखो बहुत सारा चीज़ अभी इंटरनेट में देखने को मिला कि 90 रुपीज़ और 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फ्रीचार्ज को मर्चेंट बनाने के लिए। तो गाइज देखो आपका जो मेन मकसद है कैशबैक, अगर आपको खुद से बनाने के बाद भी कैशबैक मिल रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपका 90 रुपीज़ आप बिल्कुल वेस्ट मत। तो गाइज अभी मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर प्रोसेस सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले बताना चाहता हूँ, गाइज यहाँ पर देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है जैसे कि मैंने पिछली बता दिया, तो कंप्लीट जरूर यहाँ पर वॉच कर लेना। तो देखो गाइज यहाँ पर सबसे पहले कोई भी जैसे हम प्रूफ बताते हैं, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि भाई प्रूफ क्या है तेरे पास। तो यहाँ पर साइड स्क्रीन में देख सकते हैं कैशबैक ज़रूर मिल रहा है। अगर आप मर्चेंट के पे करते हो उसके भी मिल रहे, अगर आप मर्चेंट यूजर्स हो तो और 50 पेमेंट रिसीव करो तो उसको भी गाइज कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, तो चलो मेन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, साइड स्क्रीन में आपको आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना पड़ेगा, ज़रूर आप कर पाओगे। प्रोसेस थोड़ा सा हटके है तो एक बार ज़रा वीडियो को जरूर देख लेना। सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वेबसाइट लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप फ्रीचार्ज मर्चेंट बना सकते हैं। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर merchant.freecharge.in पर क्लिक करना पड़ेगा तो वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, गेट स्टार्टेड और लॉगिन। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा भाई लोग यहाँ पर गेट स्टार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉगिन में उस लोगों के लिए लॉगिन है सारे वाले लोग इससे पहले गाइस यहां पर मर्चेंट बना लिया। तो करने के बाद ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑनलाइन चूज करेगा तो बहुत सारा डिटेल देना पड़ेगा, मैं रिकमेंड करूंगा ऑफलाइन चूज करो। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रोसरी आइटम वगैरह। उसके बाद यहां पर देखो इंडिविजुअल पार्टनरशिप जो स्टार्टिंग है यानी जो बिजनेस टाइप, तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा इंडिविजुअल टाइप करो। उसके बाद ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो जो ईमेल आईडी आप देना चाहते हो, लेकिन ईमेल आईडी आपका मोबाइल पर लॉगिन होना चाहिए क्योंकि वहां पर ओटीपी वगैरह जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दो, जो भी नंबर डालोगे उसके साथ गाइस बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर पड़ेगा, ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो उस ओटीपी को फिल कर देना। ओटीपी को जैसे आप फिल कर दोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको कुछ बेसिक सा डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि मर्चेंट कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ दे देना। वहाँ पर मर्चेंट कैटेगरी गाइज देखो यहाँ पर कुछ कैटेगरी देना पड़ता है, ग्रोसरी आइटम के ऊपर देना चाहते हो दे सकते हो, ये कुछ भी ऊपर है आपके बिल्कुल ऊपर है क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो मर्चेंट कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों आपके ऊपर से, तो वो आप डिसाइड करके रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइज यहाँ पर ग्रोसरी रख सकते हो अगर आप ग्रोसरी रखना चाहते हो। तो ये सारा चीज़ करने के बाद मैं आपको आगे का स्टेप बता देता हूँ। गाइज आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया बीच में बता देता हूँ, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो ग्रोसरी करने के बाद यहाँ पर रेफरल कोड है और यहाँ पर मेंशन एक ऑफिशियल पर्पज़ यूज़, तो उसको बिल्कुल छेड़खानी मत करो। उसके बाद गाइज यहाँ पर बिजनेस एड्रेस ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जहाँ पर रहते हो उसका अगर एड्रेस देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज़ यहाँ पर एड्रेस डिस्ट्रिक्ट सिटी डाल देना, सिटी अगर मान लीजिए आपका जहाँ पर रहते हो वहाँ पर सिटीज एरिया नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जरूर अवेलेबल होगा सिटीज एरिया में, तो ज़रूर उस चीज़ को आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कर लेना, यानी पूरा का जो एड्रेस है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कुछ स्टैंड वगैरह जो होता है वो ज़रूर आप एक एड्रेस पर आ सकते हो, क्योंकि नया है अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये सारा चीज़ करने के बाद मैं आपको आगे का स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ पर पिन कोड मेंशन कर देना, पिन कोड जो भी है पिन कोड देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना। ठीक है, तो प्रोसीड पर अगर क्लिक करोगे तो दो तरीके का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सिल्वर और गोल्ड पार्टनर दो तरीके का ऑप्शन है, तो आपको कौन सा प्लान सुटेबल है आप उसके अकॉर्डिंग क्लिक करना। मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप अगर कैशबैक के लिए यूज़ करना चाहते हो तो 50,000 रुपये पर मंथ, तो सिल्वर जो पार्टनर है उसको क्लिक करने का, क्योंकि अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा अगर शॉप का ओनर है तो यहाँ पर गोल्ड वाला आप जरूर चूज़ कर सकते हो। करने के बाद आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, तो ज़रूर आपका अगर नाम पर यूज़ करना चाहते हो तो आपका खुद का ही पैन कार्ड प्रोवाइड कर देना। करने के बाद यहाँ पर देखो नेम ऑफ पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड में जिसका नाम है वो जरूर प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर पैन कार्ड का नाम, पैन कार्ड किस नाम पे वो डिटेल दे देना। उसके बाद अगर मेल फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेस दे देना। उसके बाद बिजनेस नेम यानी कौन सा नाम आप रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देना। जो सेकंड्स जो गाइज यहाँ पर स्टेप आते हैं यहाँ पर बैंक डिटेल्स का, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी IFSC कोड जो होता है जैसे कि अगर आपका SBI का है लाइक SBIN000 ऐसा करके कुछ कोड स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट नंबर पे। तो ज़रा अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देना तो 3 से स्टार्ट हो सकता है इस तरीके का, तो अकाउंट दे देना। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक है तो जरूर कर सकते हो, और पेटीएम का जो IFSC कोड है PYTM
पेटीएम 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो ये पेटीएम का है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आप प्रोवाइड कर देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट जब फिल कर रहे हो तो गाइस यहाँ पर एक बार जरूर उस चीज़ को डबल वेरीफिकेशन कर लेना खुद से, ताकि वहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप वन टाइम के लिए वेरीफिकेशन करोगे, बाद में हो सकता है आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो ऊपर जो नंबर है चार आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो थर्ड नंबर का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाम के साथ अकाउंट नंबर के साथ बिल्कुल सब आप बिल्कुल करेक्ट देना, ओके। तो उसके बाद नंबर 3 पर गाइस आपको मर्चेंट का एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मर्चेंट एड्रेस आपको देने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड और उसके बाद एड्रेस प्रूफ, तो ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड स्क्रीन में आप देख सकते हो आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर रहते हो वहाँ पर एड्रेस अगर देना चाहते हो तो ज़रूर दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उस सेम टू सेम कॉपी कर देना, यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में जो रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं इसलिए बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो ज़रूर यहाँ पर अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो बैंक इससे पहले आपने दिया, उस बैंक में आपको 1 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस एड्रेस प्रूफ देने के लिए वोटर आई डी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ऑप्शन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा वोटर आई डी देने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हर एक के पास होता नहीं है। तो गाइस वोटर आई डी को ज़रूर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो वोटर आई डी दे देना, उसके बाद गाइस फोटो यहाँ पर स्कैन करके आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप कर दोगे तो एक तरीका जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप का गाइस बारी आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मर्चेंट डिटेल देना पड़ेगा। तो मर्चेंट डिटेल देने के लिए आप जीएसटी आईडी यहाँ पर, एड्रेस 1, तो ये ज़रूर यहाँ पर अगर आपके पास है तो ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देने के बाद देखो जीएसटी चीज़ अगर है तो देना, अगर नहीं है तो यहाँ पर जस्ट सिंपली स्किप कर देना, ठीक है। तो स्किप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना। साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया। उसके बाद कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा आपसे, आप उसको सिंपली परमिशन में अलाउ जैसे करते हो वैसे ही अलाउ करके जाना। तो उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर जो कैटेगरी वगैरह है सब कुछ प्रोवाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ईमेल एड्रेस आपको वही देना पड़ेगा जो मोबाइल के साथ है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ्रंट फेसिंग पिक्चर देना पड़ेगा, यानी आपका खुद का फोटो, ठीक है, उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सेल्फी फ़ोटो आप कह सकते हैं, तो अगर आप खुद के नाम पे कर रहे हो तो खुद का देना, जिसके नाम पे कर, मम्मी पापा के नाम पे कर रहे हो तो मम्मी पापा का यहाँ पर सेल्फी देना पड़ेगा, जो कि नेसेसरी है। तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन करके पूरा का पूरा चीज़ गाइज वेबसाइट पर होगा, तो आपको गाइज मैं बता दे। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आपको सिंपली आप जब फोटो दोगे कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीचे जो लिखा है ऑप्शनल लिखा है उसको देने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो ऊपर में आप फोटो अपलोड करोगे नीचे उसका फाइल शो करेगा। तो उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को जैसे ही वेरीफाई कर दोगे आपका QR कोड आपको बिल्कुल मिल जाएगा, साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो ये कोड आपको मिलेगा, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। तो गाइज देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए आपके काम करना प्ले स्टोर में जाकर जो एप्लीकेशन होता है, मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना फ्रीचार्ज के लिए, ठीक है। जैसे कि फ्रीचार्ज बिजनेस जिसका नाम है उसको डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए अगर आप लॉगिन करने के लिए जाओगे तो आपको गाइस ईमेल पर एक लिंक जाएगा, जिस कहाँ पर आपको बोला गया कि इसका पासवर्ड जनरेट करने के लिए, वो आपको जो ईमेल एड्रेस है वो तो आपका आईडी हो चुका, लेकिन पासवर्ड के लिए आपको सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही सेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको खुद का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ पासवर्ड जैसे कि कोई भी नंबर, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद कोई भी यहाँ पर ABCD जैसे अब लिखते हो जिस तरीके का पासवर्ड सपोर्ट करते गूगल, उस तरीके का पासवर्ड देके आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। कंफर्म जैसे हो जाएगा उसके बाद आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, वो जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया उसके ऊपर डाल दो। तो जैसे उसके ऊपर डाल दोगे तो गाइस यहाँ पर एक OTP आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाता है तो गाइस देखो यहाँ पर एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कितना पेमेंट लिया, कितना हुआ, सेटलमेंट की अगर हम बात करें 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। कंपनी अभी न्यू स्टार्ट किया तो जल्दी इंस्टेंट सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो शो QR कोड, अगर जैसे क्लिक करोगे तो आपको QR कोड मिल जाएगा। और जो मर्चेंट का ऑफर है 50 पेमेंट अगर आप रिसीव करते हो 50 अलग अलग बंद 6 महीने के अंदर 1150 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। लेकिन अच्छा बात यह है कि अगर आपको आधार नंबर से वो मर्चेंट में पे करने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए 105 का भी कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मर्चेंट क्रिएट करके इतना ज़्यादा आपको कैशबैक मिल रहा है तो ज़रूर आपको लेना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।